ज्ञान तिम्रां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितमेनो तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। जय गोपाल। आइए सत्संगी जनों, मेरे बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता का पूर्ण ज्ञान अर्जुन की झोली में डाल देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को उन व्यक्तियों को नहीं देना जिन्होंने कभी तप किया नहीं, तप जाना भी नहीं। उन व्यक्तियों को भी मत देना जो मुझे कभी प्रणाम भी नहीं करते, बल्कि मेरे मुझसे शत्रुता साधते हैं, मेरे से वैमनुष्यता साधते हैं, मेरे मुझे नफरत करते हैं, मुझे नहीं मानते, मुझे इग्नोर करते हैं, उनको नहीं देना। और जो सुनना नहीं चाहता इस ज्ञान को, उसे भी कदापि नहीं देना। ये तो प्यासों को देने की विद्या है। जो प्यासे हों उस प्रभु के प्रेम के, उस ज्ञान के, ये राज विद्या है। और जो व्यक्ति, जो भक्त इस विद्या को, इस आत्मज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में कहेगा, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा। पराभक्ति क्या है? शुद्धतम स्तर पर पहुंची हुई भक्ति ही पराभक्ति है, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार का सेंस ग्रैटिफिकेशन यानी कि इंद्रिय तृप्ति नहीं हो, संसार के भोगों की कामना नहीं हो। अभिलाषा शून्य ही पराभक्ति का दूसरा नाम है। जो भक्ति अभिलाषा शून्य हो वो ही पराभक्ति है। किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं हो, ना धनम ना धन की, ना जन्म ना ऊंचे कुलों में, ऊंचे लोकों में, इंद्रलोकों में जाके जन्म लेने की, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कोई विशेष सुंदर स्त्री की, ना कविताम किसी प्रकार की संसार में ख्याति फैले, कोई मुझे जाने, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे प्रणाम करे, कोई मुझे माने कि ये भी कोई संत है, ये भी कोई महात्मा है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामाए, हे प्रभु मेरी ये कोई कामना नहीं है, मेरे हृदय की किसी भी प्रकार की इनमें से कामना नहीं है। ना मुझे इंद्र के खजाने चाहिए, वैभव चाहिए, ना धन चाहिए, ना ऊंचे कुलों में, ऊंचे लोकों में, राजघरानों में, देवलोकों में, ब्रह्मलोक में कोई जन्म नहीं, मेरी कोई कामना नहीं। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कोई विशेष सुंदर
रूपवती नारी की भी कामना नहीं है। जो ब्रह्मांड की सुंदरी हो, विश्व सुंदरी नहीं, ब्रह्मांड सुंदरी हो, यूनिवर्सल ब्यूटी नहीं चाहिए भगवान। ना धनम ना जनम ना सुंदरी, किसी प्रकार की भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, तिल भर भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। हे जगदीश, मेरी ये कामना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, एक पराभक्ति, एक शुद्ध भक्त के लक्षण, एक शुद्ध भक्ति के लक्षण, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति अहत की तुई। हे प्रभु, मुझे तो मैं जहां पर भी रहूं, जिस स्थिति में भी रहूं, जहां भी मेरा जन्म हो, जिस स्थिति में भी मैं हूं, कष्ट में हूं, सुखों में हूं, राजघरानों में हूं या गरीबों के घर में हूं, जहां पर भी हूं, आप मुझे, मैं आपके चरणों को नहीं भूल, आपके चरणों में की सेवा को मैं कभी नहीं भूलूं। गोविंद, मुझे आपके चरणों की सेवा देना, मुझे जब जब भी दो आपके चरणों की सेवा ही दो, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। ये पराभक्ति है, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। ये नहीं कि दर्शन दो डॉलर, दर्शन दो धन राम, मेरी अखियां प्यासी रे, नहीं, घनश्याम। ये पराभक्ति है अर्जुन, जो ये आत्मज्ञान को मेरे भक्तों में कोई कहेगा उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी, और अंत समय में ये शरीर को त्याग करके मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, असंशयम। और इस ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा, सुनाएगा, चर्चा करेगा, मेरे और अर्जुन तेरे संवाद को जो मेरे भक्तों में कहेगा, सुनेगा, चर्चा करेगा, उससे प्रियतर भक्त इस पृथ्वी पर मेरा कोई हुआ नहीं है और होगा नहीं। इस दुनिया में मेरा भक्त, ऐसा प्रिय भक्त कोई हुआ भी नहीं है और आगे जाके होगा भी नहीं। ओ मेरा, मेरे हृदय में वास करेगा मेरा प्रियतम, मेरा प्रिय भक्त होगा। अध्यक्षते अध्यक्षते च ये इमं धर्मं संवादं मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम इति मे मति। और हे अर्जुन, जो इस गीता शास्त्र का, इस आत्मज्ञान का जो मैंने तुझे दिया है, इसका कोई अध्ययन करेगा, इस पर विचार करेगा, इस पथ पर चलेगा, उसके हाथों से मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही पूजा जाऊंगा, ज्ञान यज्ञ से ही उसकी पूजा स्वीकार करूंगा। वो एक महान ज्ञानी होगा और उसके ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा होगी, मैं पूजा जाऊंगा, मुझे वो रिझाएगा ज्ञान के द्वारा, जो इसका रोज अध्ययन करेगा, नित्य अध्ययन करेगा। श्रद्धावानन ऐसूयश्च शरणो यादप्यो नरा ते अपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणां। जो व्यक्ति इस गीता ज्ञान को श्रद्धा के साथ में, श्रद्धावानन ऐसूयश्च, किसी बैर भाव को त्याग करके, ऐसूयश्च जिसका किसी से संसार में वैर ही नहीं है, जो अजात शत्रु है, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु नाम से कहलाते थे, या विश्व युधिष्ठिर महाराज का संसार में कोई भी शत्रु नहीं था, कोई शत्रु उनकी बुद्धि में नहीं था। भगवान कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है और श्रद्धा जिसके हृदय में भरी हुई है, श्रद्धावानन ऐसूयश्च शृणु यादपि यो नरः
सो अपि मुक्त, वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जय गोपाल। जय गोपाल। श्रद्धावानन असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को श्रद्धा भावना के साथ सुनेगा वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा, पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा और आगे पाप करेगा नहीं। सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, और स्वर्ग जैसी कामनाओं से भी मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग जैसे भोगों की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाएगा। वो ऊंचे लोकों की प्राप्ति, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति की इच्छा भी उसके हृदय से चली जाएगी, जो बड़े पुण्य करने से प्राप्त होते हैं उनको भी वो तुच्छ समझ के त्याग देगा और मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा। सो अपि मुक्त हो, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। देवताओं से भी कभी कभी अपराध और पाप बनते हैं, नहीं बनते? क्या इंद्र नहीं आए अहिल्या का धर्म भंग करने के लिए? गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या जी, चंद्रमा को साथ लेके आए, चंद्रदेव को मुर्गा बना दिया, मुर्गा बनकर चंद्रमा ने 12 बजे आधी रात में कुकड़ू को आवाज दे दी। ऋषि गौतम ने सोचा अरे 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। वो अपने कंधे पे धोती डाल के गंगा किनारे गए। पीछे से इंद्र जो है गौतम ऋषि का ही भेष धारण करके, छलिया ठग का भेष धारण करके, छलावा धोखा देने वाला भेष, सिर्फ गौतम ऋषि बन गए हूबहू एज इट इज, और अहिल्या का शील भंग किया, धर्म नष्ट किया। वो सती नारी थी। गौतम ऋषि को गंगा मां बोलती है ठहरो ऋषि, क्या करते हो ये? मेरे अंदर वास करने वाले जीव जंतु सोए हुए हैं, अर्धरात्रि है, ये कोई नहाने का वक्त है? और वापिस जाओ अपने घर, तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है। गौतम ऋषि जो है पलट के घर आए तो देखा तो इंद्र जो है काला मुंह करके और चुपके से निकल के चला जा रहा है। गौतम ऋषि ने फटकारा, कौन है तू, मेरा वेश बना के कौन है तू, कौन तांत्रिक है, कौन पाखंडी है, कौन नीच कर? और तो ध्यान वो तो उनको समझ गए कि अरे, तो गौतम ऋषि के सामने इंद्र छुप नहीं सकता, इंद्र के रूप में आया और शर्मिंदा नीचे गर्दन की, अरे दुष्ट, तूने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट किया है, तुझे मैं शाप देता हूं तेरे बदन में 1000 भग हो जाए, योनि मादा योनि। इंद्र के शरीर में 1000 भग हो गई थी। चंद्रमा को भी कलंकित किया कि सदैव तेरे कलंक के धब्बे तेरे ऊपर रहेंगे। आज चंद्रमा धब्बों सहित दिखाई देता है हमको, धब्बे हैं। तो उनकी पत्नी को भी उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि दुष्टा, तू किसी के भी साथ में अपना मुंह काला कर लिया, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि ये कौन है? कोई भी ऋषि का बाना, कोई भी तांत्रिक रूप बदल के आ सकता है, तुझे देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे पति गंगा स्नान को गए। जा तू पत्थर की हो जा। अहिल्या पत्थर की बनी रही,
श्री राम जी ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार से देवता लोग भी पापों में उतर जाते हैं, भोगों में उतरे ही रहते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं सोपि मुक्तः शुभान लोकान, वो ऐसे जिनको स्वर्ग कहा है, जो बड़े पूर्ण पायस एक्टिविटीज कर्म कांड करने से है? हवन करने से, इंद्र देवाय नमः, अग्नि देवाय नमः, वायु देवाय नमः, बड़े तब ये कहीं प्राप्त होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने से। और वहां भी पापों की, वहां भी भोगों की नगरी है, भोगों से पुण्य नष्ट तो होते ही है और देवताओं का पतन भी होता है। बोलो नहीं, उन सुभान लोकों से भी तू सभी प्रकार के पापों से, पिछले पाप मुक्त हो जाता है, अगले पाप करेगा नहीं, यहां तक कि ऊंचे लोकों की भोगों की इच्छा भी तेरी जल जाएंगी, मर जाएंगी, क्योंकि भोगों में तो पाप ही है। भोग करेगा वो तो आगे, भोगों में ही तो पाप होते हैं, भोगों से अगर मन को हटा लें तो पाप कार्य ही बंद हो जाए। तो वो तो महाभोगों की नगरी है स्वर्ग लोक। तो बोलो वो सुभान लोक जो बड़े पुण्यों से, पुण्य कर्मों से मिलते हैं, उनसे भी तू मुक्त हो जाएगा और मेरा भक्त बन जाएगा। मेरा भक्त श्रेष्ठ है उन देवताओं से, जहां होकर मेरा भक्त निकलता है वहां देवी देवता भी फूल बरसाते हैं कि वो देखो भगवान का एक भक्त जा रहा है। भगवान अंत में फिर भी अर्जुन को एक बात पूछते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने कहा है वो तुझन वो एकाग्रचित्त होकर सुना कि नहीं? क्या तूने एकाग्रचित्त होके ये सारा आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, नरक स्वर्ग का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, मेरे धाम का ज्ञान जो भी दिया है, क्या तूने एकाग्र चित्त होके भली प्रकार से सुना है? और क्या इसके सुनने से तेरे अज्ञान, अंधकार और तमोगुण, मोह नष्ट हो गया है? भगवान ने प्रश्न किया है, अभी ये भगवान का प्रश्न है। इसमें अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह हे गोविंद, मेरा तमाम भ्रम, मोह, अंधकार, अज्ञान पूर्णतया जलकर भस्म हो गया है, नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और मुझे वो स्मृति वापिस मिल गई है जिसको प्राप्त करके एक पल को भी उस प्रभु को नहीं भूला जा सकता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत, हे गोविंद, आपकी कृपा से, आपकी करुणा दया से मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और स्मृति प्राप्त हो गई है, जिस स्मृति के प्राप्त होने से कभी भक्त भगवान को नहीं बुला सकता, उस परम धाम को नहीं बुला सकता, अपनी इटर्निटी को नहीं बुला सकता, अपने पिता को नहीं बुला सकता, बीज पिता को, परमेश्वर को नहीं बुला सकता। मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई है, मैं कौन हूं मैं जान गया हूं, और आप कौन है मैं पहचान गया हूं प्रभु। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत, आपकी कृपा से ये सब हो गया है प्रभु। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव हे प्रभु, अब मैं स्थिर हूं, अब मैं दृढ़ हूं, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा।
जो भी आप आज्ञा देंगे मैं करूंगा, मेरे सारे भ्रम गिर गए प्रभु, आप मुझे आप आज्ञा दीजिए, आपकी तमाम आज्ञाओं का पालन करूंगा गोविंद, आप मुझे आज्ञा कीजिए। ये आत्मज्ञान है, ये राज विद्या है, राज विद्या राजगुहम पवित्रम, ये पवित्र विद्या है, ये धर्म है, इसका इस ज्ञान का हृदय में उदय हो जाना धर्म का उदय हो जाना है। राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तमों में उत्तम विद्या है। प्रत्यक्षावगमम और प्रत्यक्ष फल देने वाली है, ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है, जैसे ही आप सुनने बैठोगे आपको इसका फल आना शुरू हो जाएगा, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है ये, जैसे ही आप सुनने बैठोगे, जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे, जैसे ही आप मनन करने बैठोगे, जैसे ही इसके अनुसार चलने बैठोगे, तुरंत ही फल मिलना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा, धर्म प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी स्थिति को पहचानने लग जाएंगे, आप परमेश्वर को पहचानने लग जाएंगे, आप सृष्टि को पहचानने लग जाएंगे, आप सब कुछ पहचानने लग जाएंगे, जो जैसा है वैसा जानने लग जाएंगे। ये राज विद्या है, ये परम गुह है, परम गुप्त ज्ञान है, ये सद्गुरुओं से ही प्राप्त होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों से ही इसकी उपलब्धि होती है। तो किसी शुद्ध भक्त की तलाश और उनके चरणों में, जैसे अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक टेका, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त को आचार्य रूप से गुरु रूप से स्वीकार करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, नम्र निवेदन करनी चाहिए कि मेरा कल्याण कर दो गुरुदेव, मैं मोहग्रस्त हूं, अज्ञानता में हूं, पापों से लिप्त हूं, भोगों में लिप्त हूं, दुखी हूं, बेचैन हूं, मेरा शोक निवारण कर दो प्रभु। तो वो सदगुरु आपको वो मधुर वाणी से आपके प्रत्येक भ्रम को गिरा देंगे। आपको कुछ देना नहीं है, लेना ही लेना है, देना है सिर्फ एक वस्तु, आपका अहंकार। अहंकार गुरु के चरणों में झुका दो, अहंकार को गुरु ले लेंगे और आपको सब कुछ दे देंगे, परमेश्वर को मिला देंगे। तभी तो मेरा बाई गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप राम कहो या श्याम एक ही के नाम है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु। अरे मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, आपने मुझे अमोलक वस्तु का दान किया है, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो ये इस रत्न को कोई चोर नहीं लूट सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आपके रिश्तेदार बंधु बांधव समाज बटा नहीं सकता, ये आपके साथ रहता है, सदैव आपके साथ रहता है। ये भगवान का नाम, ये भगवान का भक्ति, ये भगवान का प्रेम, आप जहां भी जाएंगे आपकी रक्षा करता है, आपके साथ रहता है, आपको गोदी में उठाए रहता है। वो परमेश्वर आपको गोदी में ले लेते हैं, अपना आलिंगन देते हैं अपने भक्तों को। सुदामा को आलिंगन दिया भगवान, भाग उठे थे महलों से, जैसे ही द्वारपाल ने बोला कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाव उपावन की नहीं सामा, द्वारे खड़े द्विज दुर्बल एक
बतावत आपको नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। हे गोविंद, एक जब भगवान द्वारकाधीश थे द्वारकापुरी में, तभी की घटना है। द्वारकापुरी से 160 किलोमीटर दूर पोरबंदर सुदामापुरी है, आज उसे पोरबंदर कहते हैं, कभी ये सुदामापुरी नाम से जाना जाता था, शहर है। वहां सुदामा जी थे, बड़े अनन्य भक्त थे भगवान के। सुदामा जी की और कृष्ण जी की मित्रता गुरुकुल में हो गई थी, संदीपनी मुनि उज्जैन नगरी के गुरुकुल में। उसके बाद भगवान को और सुदामा को एक दूसरे का मिलन नहीं हो सका। सुदामा को यह भी पता नहीं कि श्री कृष्ण कहां होंगे। वो जो इतने सुंदर श्याम रंग के बालक विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे मित्र बने थे, साथ साथ लकड़ी चुनने जंगल में जाते थे, वो पता नहीं कहां होंगे। लोग कहते मथुरापुरी से आए थे, मथुरा तो बहुत दूर है, और पता नहीं अब होंगे कि नहीं। मैं इतना बुढ़ा हो गया, वो पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे। लेकिन सतत उनका प्रेम, प्रभु का प्रेम उनके हृदय में था, और वो उनके नाम की माला जप करते थे। बड़े गरीब थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे, कुछ स्वतः ही मिल जाता था खाने को, खा लेते थे और भजन करते थे, मांगने भी नहीं जाते थे किसी के दर पर। मांगना भी त्याग दिया था कि मांगना भी क्या, अब वो भेजेगा तो खा लेंगे नहीं, बैठे रहते थे दो दो दिन तक, तीन तीन दिन तक, पानी पी के जल पी के ही सो जाते थे। ऐसे गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, पांव में चप्पल नहीं, तन पे जब्बा नहीं, धोती फटी टूटी सी लपेट लेते थे, एक ही धोती थी। उनकी पत्नी थी सुशीला, पतिव्रता नारी थी, जैसे वो रहते थे भूखे प्यास, वो भी बेचारी कैसे खाए वो बना के, पति ही भूखे बैठे, वो भी भूखी रहती थी। वो सुदामा को भगवान भाग करके मिले, कहेंगे ये कथा आपसे जरूर कहेंगे। जय गोपाल।